हेलो फ्रेंड्स, चारू मात्रा सही में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक और नई रेसिपी लेके आए हैं, सो आइए देख लेते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। ये एक कटोरी आटा लिया हुआ है, एक परात ले ली है, इसमें एक कटोरी आटा लिया हुआ है और एक कटोरी ही है हमारा मैदा है। इन दोनों चीज़ों को इसमें मिला देंगे। आप चाहें पूरा आटा लेना, जो रेसिपी आज हम बना रहे हैं उसके लिए आप पूरा मैदा भी ले सकते हैं या फिर आप पूरा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन हम 50-50 के रेशियो में दोनों चीज़ों को मिलाएंगे। एक छोटी चम्मच जितना मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और इसके लिए दूध लगा के तैयार करेंगे। देख सकते हैं हमारा आटा लग के तैयार है। इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। कवर करके रख देंगे, उसके बाद ही इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने एक ये बॉल ले लिया है, इसमें हमने ये कुछ सब्जियां कट करके रखी हुई हैं, उन्हें इसमें ऐड करेंगे। ये पनीर है, 150 ग्राम के करीब पनीर था, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है अच्छे से, जिससे कि इसमें कोई भी गांठे मोटे दाने ना रहे। एक मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसे हमने इस तरीके से ग्रेट कर रखा है, उसे भी थोड़ा सा गोभी का फूल है, सिर्फ 2 चम्मच जितना आप देखेंगे। आप इसकी जगह पत्ता गोभी ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये हमने आधी शिमला मिर्च ली थी, बड़े साइज़ की थी तो इसलिए हमने आधी ही ली है। छोटी हो तो आप पूरी भी ले सकते हैं, जिसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। इन सब सब्जियों को एक बॉल में मिला लेंगे। सब्जियों को अच्छे से मिला के रख लेते हैं। अभी हमने इसमें कोई भी सॉल्ट या किसी और तरीके का मसाला अभी ऐड नहीं करना है, वरना वो हमारा मसाला जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे सो हमारी ये सारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी। तो इसे अभी हम जस्ट मिक्स करके रख देते हैं। हमने एक बॉल में आधी कटोरी जितना मैदा लिया हुआ है और इसी में ही 2 टेबल स्पून जितना हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ब्लैक पेपर और थोड़े से चिली फ्लेक्स, या पेपर पाउडर भी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। आधी से भी कम चम्मच, हम छोटी चम्मच है हमारी, उससे भी कम हमने सॉल्ट इसमें ऐड किया है। बहुत थोड़ा सा हमें सॉल्ट ऐड करना है, बाकी सभी मसालों में सॉल्ट डालेंगे तो इसमें कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अब हमने एक कटोरी पानी लिया है, इसका एक हमें गाढ़ा सा घोल बना के तैयार कर लेना है और इस तरीके से कोटिंग कंसिस्टेंसी का देख सकते हैं। हमने ये बैटर घोल हमारा बना के तैयार कर लिया है, इसे भी एक साइड में रख लेते हैं। अब हमने ये एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स लिए हुए हैं, नॉर्मल जो हमारे खाने वाले कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ब्रेकफास्ट में जनरली दूध के साथ खाते हैं, वही हैं ये। इसको हल्का सा हाथ से इस तरीके से मसल लेंगे, हाथ से ये चूरा करेंगे, काफ़ी आसानी से आपके चूरा हो जाएंगे। ये हमारा कॉर्नफ्लेक्स का चूरा बन के तैयार है, इसे एक साइड में रखते हैं और एक बार आटे को आइए चेक करते हैं। हल्का सा मसल लेंगे, देखिए इस तरीके से आप देख के समझ सकते हैं मैंने कितना टाइट इसका आटा लगा के तैयार करा हुआ है। मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसको इस तरीके से लंबा बेल लेंगे जिससे कि हम इसके बराबर की साइज की लोइयां बॉल्स कट कर पाएं। अब हम इसके बराबर साइज की छोटी छोटी सी बॉल्स निकाल लेंगे और इस तरीके से हथेलियों के बीच में रखते हुए नॉर्मल जैसे हम अपनी आटे की रोटी के बॉल्स बना के तैयार करते हैं, इस तरीके से स्मूथली इसको बना लेंगे। पहले सारी बॉल्स को इसी तरीके से कर लेते हैं। बॉल्स हमने बना के रख ली हैं, अब हम जो हमारी स्टफिंग है इसमें एक हरी मिर्च हम कट करके डालेंगे। आप चाहें इसमें अदरक को बारीक कट करके डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे घर में कई बार बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं इस रेसिपी में, सो मैं इसलिए उसको स्किप कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच ये डार्क सोया सॉस है, स्मॉल स्पून है इसलिए मैंने सिर्फ 1 छोटी चम्मच ही इसे डाली है। आपके पास लाइट सोया सॉस हो तो आप उसको 1 बड़ी चम्मच करके ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से। ब्लैक पेपर है थोड़ी सी, उसको क्रश करके डालेंगे और सबसे बाद में जाएगा इसमें नमक, जो कि मैं 1 चम्मच जितना इसमें भर के नमक ऐड, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी को एडजस्ट कर। सब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें इसे टेस्ट करके चेक करना सो आप चेक भी कर सकते हैं हल्का सा बाइट लेके। तो ये स्टफिंग हमारी अब बन के तैयार है। अब हम एक एक बॉल लेते जाएंगे और इसको एकदम पतला बेल के तैयार करेंगे। सूखा आटा लगाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट अगर आप कंफर्टेबल ना हो ऐसे बेलने में तो आप हल्का सा सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हैं। जितना पतला आप इसे बेलेंगे उतना ही अच्छा आपका ये रेसिपी बनके तैयार होगी। ये देखिए एकदम थिन मैंने बेला है, आप मेरी उंगलियाँ मुझे आर पार आराम से इसमें से नज़र आ रही हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टफिंग है इसके बीच में रखेंगे सेंटर में। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया था मैंने, वो भी इसमें ऐड कर दिया है, वो आई थिंक रिकॉर्डिंग में रह गया दिखाने से। अब हम इसकी इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे, जैसे नॉर्मल साड़ी की प्लेट्स बनाई जाती हैं उसी तरीके से हमें इसकी प्लेट्स बना लेनी हैं ये। और जो ये बचा हुआ साइड है उसे इस तरीके से हमें इन प्लेट्स के ऊपर स्टिक कर देना है। ये देखिए साइड आपको अच्छे से स्टिक करना है जिससे कि
जब हम इसे स्टीम करेंगे या अगर फ्राई करेंगे, सो हमारे ये मोमोज बना रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे देख के, तो वो ना तो खुलें और ना ही फटेंगे। इस तरीके से सारे मोमोज हम पहले अपने बना के रखते जाते हैं। इस तरीके से उठाएंगे, हमें इसको आधा बांट लेना है। अगर आपको ऐसे आसानी ना हो तो आप जिस तरीके से गुजिया बनाते हैं उस तरीके से आधा इसका पार्टीशन कर लीजिएगा। उस आधे हिस्से में हमें प्लेट्स डालनी है इस तरीके से, और आधे हिस्से को हमें इसी तरीके से उठा के बस स्टिक कर देना है। किनारा जो है हल्का सा आप इसे अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ दीजिएगा अपोजिट साइड में। तरीके से इसे हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे। इसको अब हम हाथ पे रखते हुए इस तरीके से स्टफिंग करेंगे बीच में, और जो नॉर्मल हमारी इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे सारे कॉर्नर्स को, स्टफिंग को हाथ से बीच में थंब की मदद से प्रेस करते रहिएगा जिससे कि वो बाहर नहीं आए। ये देखिए, सो हमारी जो ये वाली शेप होती है मोमोज की वो इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। ऊपर से अच्छे से इसे प्रेस कर देना है। तो इसी तरीके से अपने सारे मोमोज पहले हम बना के रेडी करके रख लेते हैं फ्लिंग करके। ये देख सकते हैं अभी हमारे इतने बन के तैयार हुए हैं, और 4-5 हमारी बॉल्स और बची हुई हैं जो बनानी है, लेकिन हमने एक तरफ पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। सो आइए इसे पहले हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक कढ़ाई ली है नीचे बड़ी, उसमें आधा पानी भर के उसके ऊपर ये जाली वाली जो हमारी छेदों वाली जाली आती है छलनी, उसको रख दिया है हमने। इस छलनी को घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम अपने मोमोज को प्लेस करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्लेस करते हुए हमें गैप बीच में गैप देना है। ये देखिए, इतने हमारे एक बार में आ रहे हैं। इसको हम इस तरीके से हल्के हल्के से गैप करते हुए रख देंगे, और इसको हम कवर करके रखेंगे 15 मिनट के लिए, जब तक हमारे अच्छे से स्टीम नहीं हो जाते हैं। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। ये हमारे जो बचे हुए मोमोज हैं इनको आइए हम फ्राई करके बनाते हैं। उसके लिए हमने कढ़ाई में ऑलरेडी तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। कैसे, एक एक मोमोज लेते जाएंगे जो हमने अपनी ये मैदे वाली सिलौटी में घोल बना के मैदे का तैयार किया है। इसमें पहले अच्छे से इसको डिप करेंगे। इसको हम जो हमारे कॉर्नफ्लेक्स हमने कोट करके रखे थे क्रश करके, उसमें अच्छे से कोट करेंगे। ये देखिए, इसमें काफी अच्छे से आपको कोट कर लेना है, सारा कॉर्नफ्लेक्स इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। और इसको हम अपने फ्राई, हमने जो तेल अपना गर्म होने के लिए रखा है उसमें छोड़ते जाएंगे। इसी तरीके से सारे मोमोज अपने हम फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई होने देते हैं, तब तक और मोमोज इसमें ऐड करेंगे। मोमोज लेंगे, स्लरी में अपने डिप करेंगे अच्छे से, कॉर्नफ्लेक्स में ऐड करेंगे, इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। और अपने इस तेल में इसे भी ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से सारे मोमोज फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे स्टीम हुए हुए मोमोज भी हो चुके हैं। हमने अपनी गैस अभी जस्ट बंद करी है। ये देखिए, इस तरीके से आप हाथ लगा के देखेंगे, अगर आपके आपके स्टिकी नहीं हो रहे हैं आराम से, सो चिकना आपको एक शाइन इसमें नजर आ रही है, इट मीन्स आपके मोमोज अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी इसे ऐसे ही 5 मिनट्स के लिए ओपन रहने देते हैं, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। हमारे फ्राइड वाले मोमोज भी इधर देखेंगे आप, दो हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। इसे हमें क्रिस्पी होने तक कुक फ्राई करना है, बार बार इन्हें हमें हिलाना नहीं है। डालने के बाद 1-2 मिनट तक कुक होने देना है, फ्राई होने देना है, उसके बाद ही हमें इसे मूव करना है, तभी आपके एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इन्हें फ्राई होने देते हैं, उसके बाद इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये वाला हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे, और इसी तरीके से बाकी भी जब फ्राई हो जाएंगे सो उसे भी हम प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकालते जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे स्टीम्ड और फ्राइड दोनों तरीके से कुरकुरे मोमोज बनके तैयार हैं। ये आप घर पे बना के आसानी से इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। हमने इसको मेयोनीज के साथ सर्व किया है। सो इस तरीके से आप लोग ये चटपटा स्ट्रीट स्नैक्स घर पे ही बना के आसानी से इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, और इन्जॉय कीजिएगा। सो इस तरीके से आप लोग ये बना के ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी और टेस्टी आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।